सब्सक्राइब करें प्रियांशु कश्यप 8.2.jet को और बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपका यामाहा का FZS F1 आ चुकी है, लॉन्च कर चुकी है और ये आपका फर्स्ट लुक मेरे चैनल पे। ये बाइक बहुत ही अच्छी है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें ABS आ चुकी है और जो कि मार्केट में अभी टक्कर देने वाली है, 180 पल्सर 180 को टक्कर देने वाली ये बाइक निकली है और ये टोटली जो है मस्त बाइक निकली है। और इसका जो क्रोम का फिनिश है, आप देख रहे होंगे कि इसमें ज़्यादातर क्रोम का वर्क किया गया है। ये आगे के टैंकी के पास आपका क्रोम का थोड़ा सा वर्क है, ये इससे थोड़ा सा गाड़ी का थोड़ा सा एग्रेसिव लुक दिख रहा है। ये बहुत ही मार्केट में तूफान मचाने वाली ये बाइक आई हुई है, ये आप देख रहे होंगे। फर्स्ट मतलब कि सामने फर्स्ट फेसिंग से ही इतनी अच्छी लगती है कि गाड़ी चलाने में कितनी अच्छी लगेगी, ये बात तो आप जान ही रहे हैं कि यामाहा की बाइक में स्पीड से लेकर और ये परफॉर्मेंस से लेकर के टोटल ही चीज़ अच्छी की जाती है। यामाहा की बाइक जो होती है वो बहुत ही परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छी वर्क करती है। इसमें लाइट पे भी देख रहे होंगे आप, बहुत अच्छा वर्क किया गया है और ये जो क्रोम का जो वर्क है ये मुझे ही पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, आपको कैसा लगा। ये बस अपने अपने निजली शोरूम में भी बाइक कुछ ना कुछ एक दो दिन के बीच में ही आ जाएगी, आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कस्टमर को अब जो है ABS मिलेगा, जो कि इस रेंज की बाइक में ABS बहुत ज़रूरी था और ये बाइक ही बहुत अच्छी है। और स्पीड जिस हिसाब से इसमें स्पीड है उस हिसाब से इसमें ब्रेक भी होना चाहिए था, तो इसमें अब ABS आ चुका है दोस्तों। अब आपको कभी भी मतलब कि ब्रेक के लिए आपको कभी भी यामाहा को आपको कभी भी प्रेशर नहीं करना चाहिए, अब ABS के आ गया है तो ABS से आप इसे अच्छा यूज बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बाइक निकलेगी। अभी इसे टक्कर देने के लिए 180 पल्सर की जो निकली है वो 220 के बेस में, वो उसको ये टक्कर देने के लिए पूरा मतलब कि इच्छुक है, इसीलिए ये यामाहा ने बहुत सोच समझ करके ये बाइक निकाली है। ठीक है, आप इसे आप देखिए। चलिए, थैंक यू।